द हिंदू में एक आर्टिकल आया जो एनवायरनमेंट सेक्शन के लिए काफी इम्पोर्टेंट हो सकता है। उस आर्टिकल में लिखा था कि आर हीट वेव्स नेचुरल डिजास्टर्स, ऐसे क्वेश्चन मार्क करके पूछा गया था। चलिए समझते हैं कि उस आर्टिकल में क्या कहा गया एक्चुअली। नमस्कार एंड वार्म वेलकम फ्रॉम एग्जैक्ट आईएस टीम, मैं हूं दीपक। वैसे तो ये वीडियो 1-1.5 मिनट में मैं खत्म करके एक शॉर्ट्स वीडियो की तरह अपलोड कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाऊं ताकि आपको हीट वेव इन इंडिया से रिलेटेड कोई भी दिक्कत ना आए। देखिए, इस आर्टिकल में ये लिखा गया था कि हीट वेव को भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम NDMA के तहत आधिकारिक रूप से प्राकृतिक आपदा नहीं माना गया, मतलब नेचुरल डिजास्टर नहीं माना गया है। इस अधिनियम में चक्रवात और बाढ़ जैसी 12 आपदाएं शामिल हैं। 15वें वित्त आयोग ने इस सूची में हीट वेव को शामिल नहीं किया, लेकिन राज्य अपने आपदा कोष का 10% तक स्थानीय मुद्दे जैसे हीट वेव के लिए उपयोग कर सकते हैं। 16वां वित्त आयोग इसे पुनर्विचार करके हटा भी सकता है। ठीक है, अब हीट वेव से मौत यानी डेथ बिकॉज ऑफ द हीट वेव्स क्या हुई हैं, जरा वो भी जान लेते हैं। थोड़ा डेटा वाली चीज है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि डेटा आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्योंकि इस बार अगर आप देखो प्रीलिम्स में भी तो डेटा, डायरेक्ट डेटा से क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैंने एक वीडियो बनाया था प्रीलिम्स से ठीक 2 या 3 दिन पहले डीलिमिटेशन के ऊपर, और डीलिमिटेशन से ही क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया। इसलिए मैं आपके लिए जो वीडियो लाता हूँ वो इस प्रकार से सोच के लाता हूँ कि इसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है एनवायरनमेंट ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है, जो करंट अफेयर्स है, उसमें हीट वेव, क्योंकि इस बार हर जगह यूरोप में भी हीट वेव्स पिछले 1-2 साल से देखी जा रही है और इंडिया में भी काफ़ी देखी जा रही है, इसलिए हीट वेव्स का थोड़ा ज़्यादा मुझे महत्व लग रहा है। अब यहाँ पर हीट वेव से मौत की अगर हम बात करें तो भारत में हीट वेव से होने वाली मौत 2017 में 1127 से घटकर 2021 में 374 हो गई, यानी कि 1127 से घटकर 2021 में 374 हो गई। हालांकि अब कम मौतें हो रही हैं, हीट वेव अधिकतर या फिर अधिक बार तीव्र हो रही है, मतलब बढ़ती जा रही है, ज़्यादा होती जा रही है। रिपोर्ट की माने तो क्योंकि हीट वेव अक्सर उन लोगों को प्रभावित करती है जिनकी अन्य स्वास्थ्य समस्याएं होती है, जिनका इम्यूनिटी कम होता है, और हीट वेव की परिभाषाएं भी अलग अलग होती हैं, हर किसी के लिए अलग अलग है, हर देश के लिए अलग अलग है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में 50 डिग्री हो गया था, हमने कहा हीट वेव है। वहाँ यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में, आपके ब्रिटिशर्स के वहाँ पर हम एसी का जितना टेम्परेचर रखते हैं उतने टेम्परेचर में वो हीट वेव मान लेते हैं। जी हाँ, 26 डिग्री टेम्परेचर हुआ है और वो हीट वेव कह रहे हैं। यहाँ हम गर्मियों में 26 डिग्री एसी ला भी नहीं पा रहा, इतनी गर्मी हो रही है, और उनके लिए 26 डिग्री हीट वेव है। तो हीट वेव की सबकी डेफिनेशन हर नेशन के लिए अलग अलग है, और यहीं से ये भी साबित होता है कि देखिए उनकी कैपेसिटी हीट झेलने की, गर्मी झेलने की कितनी कम है। इस चीज से आप हिस्ट्री के ब्लैक होल ट्रेजेडी को लिंक कर सकते हो। बंगाल में ह्यूमिडिटी में एक छोटे से कमरे में अंग्रेजों को ठूस दिया भर गर्मी में, तो स्वाभाविक सी बात है मरेंगे ही सही, थोड़े घंटे में मर गए ऐसे सब के सब, थोड़े बहुत बचे थे। तो आप लिंक कर सकते हो कि ब्लैक होल ट्रेजेडी जो हुआ था, फिर बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में, सब चीज़ें, इन चीज़ों को आप लिंक करिए। UPSC इज ऑल अबाउट लिंकिंग द सब्जेक्ट्स, यू शुड लिंक इट सो दैट आपको पॉइंट्स मिलते हैं ये सब लिखने के लिए। खैर, ये मत लिखेगा ब्लैक होल प्लासी वगैरह, बट मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इस तरीके से आप लिंक कीजिए हर चीज़ को, इससे इंटरेस्ट भी बिल्डअप होता है और दूसरा इससे आपको पॉइंट्स भी मिलते हैं, और ऐसे में ऐसे ही तो पॉइंट्स मिलते हैं जब आप ऐसे राइटिंग करते हैं, कहाँ से आप इतने सारा भरोगे नहीं तो पेजेस।
It's all about linking different perspectives, different subjects, different things. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर राज्य के उपाय, जिसको अगर मैं बोलूं स्टेट मेजर्स बताई जाएं, तो बढ़ती हीट वेव से निपटने के लिए 23 राज्य NDMA और भारतीय मौसम विभाग की मदद से हीट एक्शन प्लान HAPs बना रहे हैं। इन योजनाओं में क्षेत्रीय हीट प्रोफाइल, संवेदनशील मूल्यांकन और हीट वेव के प्रभावों को प्रबंधित करने की रणनीतियां शामिल हैं। ज्यादा हिंदी हो गई हो, थोड़ी इंग्लिश में आपको बता दूं। टू कोप अप विद राइजिंग हीट वेव्स, 23 स्टेट्स आर क्रिएटिंग हीट एक्शन प्लान्स HAPs विद द हेल्प फ्रॉम NDMA एंड द इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। These plans include regional heat profiles, vulnerability assessments, and strategies to manage heat waves impacts. बस यही state measures हैं, और पूरे आपके article में, द हिंदू के जो ये article है उसमें यही सब दे रखा है, जिसको मैंने आपको easy भाषा में समझा दिया है। मैंने आपको इस video में कुछ छोटी छोटी चीज़ें, tips दी हैं जो ज़्यादा important हैं, उनका ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि चाहे प्रिलिम्स हो या मेंस हो, ये टिप्स जरूर काम में आएगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज अगर आप को ये सारी चीज़ें, ये कंटेंट मेरा अच्छा लग रहा हो तो कमेंट सेक्शन में अपने राय जरूर दीजिएगा। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू एग्जैक्ट IAS। मैं आपको बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलूंगा। टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।